नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हम बिहारी बार बार खुद को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए इतिहास की बात करते हैं। हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, अशोका की बात करते हैं, पाटलिपुत्रा की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे पास बहुत कम ऐसा है जिस पर हम जो है खुशी का इजहार कर सकते हैं, खुद को गौरव महसूस करा सकते हैं। लेकिन आपको एक और मौका मिल गया है। आपके यहाँ बिहार में ग्लास ब्रिज बनकर तैयार है, जो चीन के होंगजोंग प्रांत में स्थित ब्रिज के तर्ज पर बना है। ये जो है राजगीर में बना है। राजगीर पता है काफी ऐतिहासिक है। यहाँ पर जो है ये खुद ऐसी कई ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पर है। गौतम बुद्ध महावीर की जो है वो ऐतिहासिक विरासत है, पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो शुरुआती दौर से ही जो है टूरिस्टों के लिए, बौद्ध जो शरणार्थी हैं उनके लिए जो है वो घूमने के लिए सालों से आते रहे। लेकिन अब एक नया चीज़ जो है नेचर सफारी, जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसकी क्या क्या जो खूबियां हम आपको बता दें कि ये जो है 200 फीट ऊंचा, 85 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। इसके अलावा जो है कई सारी और जो है तकनीकी इसमें खूबियां हैं। इसके अलावा बता दें कि ये जो नेचर सफारी है, जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 500 एकड़ में फैला हुआ है ऐतिहासिक बुद्ध मार्ग इलाके में, और इसी में जू सफारी है। इसके साथ साथ आप स्काई डाइविंग का मजा ले सकते हैं। जो रोप साइकिलिंग होता है, कहते हैं ना एडवेंचर्स जिसको कहते हैं गेम, उसका आप मजा ले सकते हैं। और इसके अलावा वो कहीं अब विदेश नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये बिहार में उपलब्ध है। बिहार में मार्च में कहा जा रहा है कि इसको जो है बिल्कुल दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये बड़ी जो है उपलब्धि कह सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि देश में आप जो है स्काई डाइविंग करने वाले जो उसके जो है पहले देश का पहला जगह जो है नालंदा यानी बिहार बन चुका है। स्काई हैंगिंग वॉक, माफ करिएगा, इस क्षेत्र में जो है अब बिहार पहला राज्य बन गया है। तो ये तो बात रही इसकी कि इसका हाइट कितना होगा, ये क्या है, लेकिन अब हम कुछ और चीज़ आपको बता देते हैं। कल शनिवार को नीतीश कुमार जो है इसका मुआयना करने गए थे। बकायदा वो जो स्काई ब्रिज है उस पर उन्होंने चढ़ा और उस पर जो है मुआयना किया कि वो किस मजबूती के साथ बनाया गया। उन्होंने कहा कि हाँ बढ़िया काम हो रहा है, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा है कि इसके होने से क्या होगा कि युवाओं में फिर से जागरूकता आएगी प्रकृति को लेकर के, और बिल्कुल कहा है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है तंदुरुस्त होगा, पुलिस की व्यवस्था की जाएगी ताकि जो गलत मानसिकता के लोग हैं वो आने वाले पर्यटकों के साथ कुछ गलत न करें, क्योंकि इससे जो है छवि खराब होती है और फिर पर्यटक आना बंद कर देते। तो कहा कि सुरक्षा के इंतजामात जो है वो बहुत मजबूत तरीके से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेचर सफारी में देर रात सैर पर पाबंदी रहेगी, यहाँ 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। ये बातें हुई। उसके बाद चूंकि पर्यटक आएंगे और जब से ग्लास ब्रिज बना है तो देश के अंदर से ही विदेश से तो आएंगे ही, आते रहे हैं, अब देश के अंदर से ही बिहार के अलग जिलों से लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो पर्यटकों के ठहराव के लिए कई तरह की परियोजनाएं चल रही हैं और उनको विश्व स्तर की जो सुविधाएं वो दी जाएंगी। इसके अलावा हम बता दें कि राजगीर में जो स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय है वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, और हाल ही में अब ये प्रस्ताव भी पास होने वाला है कैबिनेट से कि वहां पर खेल का विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय जो है स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रहा है। तो ऐसे जगहों पे जो है शोधित गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि राजगीर में जो है कहा जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड लेवल वाटर है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या होगा कि जो गंगा जल है उसको शोधित करके, मतलब शुद्ध करके, हालांकि गंगा जल शुद्ध होता ही है लेकिन फिर भी जो अगर उसमें थोड़ी मोड़ी भी अगर उसमें प्रदूषण है तो उसको शोधित करके वो जो है जनता को उपलब्ध कराया जाएगा, राजगीर में ऐसे जगहों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जंगल में होंगे लहू बिहार के दर्शन। इसका मतलब क्या बता देते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा इलाका होगा जहाँ पर 38 जिले हैं बिहार के, तो हर जिले की जो खासियत होगी, जिले का जो धरोहर होगा वहाँ पे मौजूद होगा। जैसे कि जम्मू जिले का अपनी खासियत होती है, पटना जिले की अपनी खासियत है, नालंदा की अपनी खासियत है, आरा जिले की अपनी खासियत है, तो उस जिले का धरोहर यानी 38 जिलों का धरोहर वहाँ पर मौजूद होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ अगर आप जाएंगे तो 38 जिलों के धरोहर के दर्शन होंगे, इसलिए उसे जो है कहा गया है कि जंगल में होंगे लघु बिहार के दर्शन। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि देश का पहला स्काई हैंगिंग वॉक होगा, बहुत ये आपको अब गौरव होने का मौका मिलेगा। आप शान से कह सकते हैं कि वर्तमान में भूत में नहीं कि गौतम बुद्ध की धरती रही है और सम्राट अशोक की धरती रही, वर्तमान में देश का पहला स्काई हैंगिंग वॉक जो है वो बिहार में मौजूद है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है प्रकृति को लेकर के कि ग्राउंड वाटर निकालने पर होगी पाबंदी। उन्हें ये कहा कि अब जो है आने वाले दिनों में इस ग्राउंड जो इलाका है वो वहाँ से ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन से वो पानी नहीं निकाला जाएगा। ये पूरा इलाका ऐतिहासिक है, वाकई में राजगीर जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि भगवान बुद्ध व भगवान महावीर के पहले ये मगध की राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद भी जो है
यहीं से जो है राजधानी बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट कर गई, ठीक है, और वहाँ बन रहे बाघ चीता हिरण और शेर के जो बेड़े हैं, क्योंकि ऐसे जानवरों को वहाँ लाया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। तो ये सारी चीज़ वहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है और इससे पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात, उन्होंने कहा कि पीने के लिए गंगा नदी का पानी स्वच्छ कर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि एक देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है कि लगातार भू जल स्तर जो है वो नीचे जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए गंगा जल को शुद्ध करके स्वच्छ करके उस इलाके के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये था सब कुछ ग्लास ब्रिज के बारे में कि उसकी हाइट कितनी है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। इसके अलावा और क्या क्या है नेचर सफारी के अंदर जो है, ग्लास ब्रिज तो है ही, जू सफारी है, वहाँ पर लघु विहार के दर्शन हो जाएंगे और कई एडवेंचरस हैं, रोप साइकिलिंग हो गया, पर्वतारोहण जो पर्वत पर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, ऐसे कई जो है आपके लिए रोमांचक चीज़ें वहाँ उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ और इससे जो भी बन सकता है, देश ही नहीं, बिहार राज्य ही नहीं, बल्कि तमाम विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा, जितना खूबसूरत बनाया जा सकता है, पहले से तो खूबसूरत है ही और इसे बनाने की कवायद तेज़ हो रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।